वेलकम टू लर्निंग स्टॉम अकेडमी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माउस लिसनर क्या होता है, कैसे काम करता है माउस लिसनर हमारे जावा के प्रोग्राम में। तो चलिए हम देख लेते हैं माउस लिसनर कैसे काम करता है। माउस लिसनर, तो पहले बता दूं कि माउस लिसनर होता क्या है। जो भी इवेंट हमारा अकर होता है माउस की मदद से, हम जब भी माउस से क्लिक करते हैं, माउस हमारा कभी किसी भी एरिया के अंदर जाता है या बाहर आता है, बटन क्लिक होता है, तो उसकी जो हम माउस क्लिक कर रहे हैं, माउस का एक्शन हो रहा है, उसको लिसनिंग करना काम होता है हमारे माउस लिसनर का। ये हम लोग माउस लिसनर को, जैसे कि हमने किसी भी टेस्ट फील्ड में, टेस्ट एरिया में, कभी कहीं पे भी हमने माउस को एंटर किया, तो हम उसको क्या कहते हैं, लिसनिंग करना उसके में, वो कहना क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है। तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमें माउस लिसनर को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हमें अपना जो इंपोर्ट पैकेज होते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमारा आता है मेथड्स। हमारे पास पिछले वीडियोस में देखे थे, हमने एक ही वीडियो ऐसी आई है कि हमारे पास जैसे कि हमने की लिसनर पढ़ी थी, सिर्फ उसमें तीन मेथड थे, और उससे पहले तो वीडियोज थी आइटम लिसनर और एक्शन लिसनर, उसमें एक एक हमारा मेथड था। पर इसमें हमारे पास पांच मेथड हैं, पांचों की पांचों ज़रूरी हैं। पहला है माउस क्लिक। क्लिक होने पे क्या एक्शन होना चाहिए, एंटर हो, जैसे कि वो उस एरिया के अंदर एंटर हो तो क्या होना चाहिए, उस एरिया से एग्जिट हो तो क्या होना चाहिए, उस माउस हमारा प्रेस हो और रिलीज हो तो क्या हमारा रिजल्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। इन ये पांचों मेथड होते हैं हमारे पास। यही चीज़ होती है कि क्लिक हो कब हो, क्लिक करेंगे तो क्या हो, एंटर हो, एंटर हो किसी भी अगर एरिया के अंदर तो क्या हो, एग्जिट हो तो क्या हो, प्रेस हो तो क्या हो, रिलीज हो तो क्या हो। उसके बाद आता है ऐड माउस लिसनर। जैसे कि समय सिंपल है, ये तो समय करते हुए आ रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमें ऐड करना है हमेशा, हमें अपने जिस भी कंपोनेंट में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं अपना प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि कैसे हम इसे करते हैं। सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं अपन अपनी सिंपल, जैसे कि पूरी क्लास लेते हुए आ रहे हैं हम लोग उसको। क्लास शुड बी स्मॉल लेटर्स, क्लास है जिस नाम से हमने सेव करना होता है इसे। एक्सटेंड करा लिया हमने जी फ्रेम, क्योंकि इसमें बाकी जो भी चीज़ हमें क्लास है वो हमारा, इसके जो भी हमारे पैकेज हैं वो हम लिख लेते हैं। पैकेज हमारे हैं इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग, ये हमारा हो गया इसका पैकेज जे फ्रेम का। अब हमारा पैकेज आते हैं दूसरे माउस लिसनर के लिए, वो है इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट। मैं स्टार नहीं लूँगा क्योंकि स्टार लूँगा तो वो ज़्यादा मेमोरी लेगा। डॉट इवेंट डॉट माउस, मैंने ये दोनों जो पैकेज बताए थे आपको, ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट माउस इवेंट दोनों ले लिए यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम एक टेस्ट एरिया लेंगे और एक टेस्ट फील्ड लेंगे। टेस्ट एरिया में जैसे भी हमारी टेस्ट एरिया में हमारे, तो हम दो टेस्ट एरिया लेंगे, हम दो टेस्ट एरिया लेंगे। जैसे कि हम किसी भी टेस्ट एरिया में अगर इनपुट करते हैं अपने माउस को, वहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं वहाँ से, वहाँ पर रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा वो हम लोग दूसरे वाले टेस्ट एरिया में दिखाएंगे। तो उसके लिए हम माई ऐप, ये टेस्ट एरिया, जैसे कि टेस्ट एरिया कैसे लेते हैं हम लोग, कैसे इसका काम करता है, तो मैंने पुरानी वाली वीडियोस में बनाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं कैसे लेते हैं। एक जे टेस्ट जे टी वन ले लिया है और एक मैंने जे टी टू ले लिया है। दो मैंने टेस्ट एरिया ले लिए हैं अपने, दो फिर बना लिए हैं इसके। यहाँ इन दोनों को हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको मेमोरी इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि जे टी वन को हम पहले देने जा रहे हैं जे टी वन न्यू, टेस्ट डेटा दे दिया है। अब इस क्या करना होगा, मैं इसके सेट बाउंस करने होंगे, जैसे कि सिंपल, जैसे कि सेट बाउंस करते आ रहे हैं सफेद। तो मैंने यहाँ से सेट बाउंस कर दिया है, और इसको मैं इसको इसी तरीके से हम एक और टेस्ट फील्ड ले लेते हैं, टेस्ट एरिया ले लेते हैं अपना, उसको मैंने कॉपी कर लिया जैसे कि थोड़ा हेल्प मिल जाए। सिर्फ अपन को यहाँ पे टू करना है
उसको थोड़ी सी एक्सेस चेंज करनी पड़ेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में इसकी कर देता हूँ 200, एक्स एक्सेस इसकी मैं एक्स एक्सेस चेंज करता हूँ 450 कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका मैं 300 कर देता हूँ, इसका यहाँ से 400 कर देता हूँ। तो ये हमारी हो गई टेस्ट एरिया। इसके बाद जो मेन मेथड होता है हमें पब्लिक स्टेटेड वॉइड मेन, मेन जो मेथड होता है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसकी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गया है। अब हमें क्या करना है, जो इसके पांच मेथड, ये हमारा हो गया पूरा। अब हमारे क्या है, ये पांच जो मेथड हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। ये पहले माउस क्लिक एंटर्ड एग्जिटेड और प्रेस एंड रिलीज, पांचों मेथड मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे ये क्लास के अंदर ही आने हैं, पर ये इसके अलग से एक कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं आएगा ना पब्लिक मेथड के अंदर आएगा, मेन मेथड के अंदर ये सीधे क्लास के अंदर सिंपल आएगा, जैसे कि हमने दोनों कंस्ट्रक्टर और पब्लिक वर्ड मेन मेथड हमने इसके अंदर लिखा है। तो हम मेथड लिख लेते हैं अपने पांचों, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये पांचों मेथड लिख दिए हैं अपने, ये मैंने ये मेथड लिख दिया है, देखिए ये मैंने पांचों मेथड लिख दिए हैं आपके। इसमें हम लोग लिखेंगे कि क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, इसमें लिखेंगे कि एंटर होने पे क्या होना चाहिए, इसमें एग्जिट, इसमें प्रेस्ड, इसमें रिलीज्ड। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखने वाले हैं हम। इसका नाम है क्लिक होगा, पांच मेथड है उनको ओवरराइड कर चुके हैं। देखिए जो हम सॉरी फॉर लिखने वाले हैं, जैसे कि वही जो मेथड का नाम है वही लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा समझ में आसानी रह जाएगी। इसका लाइन चेंज के लिए यहाँ पे मैंने इसको लाइन चेंज के लिए लिख दिया, जिससे कि लाइन अलग लाइन में आए वो। ऐसे ही मैं पूरे में पांचों पे एक्शन कर देता हूँ आपके। ये पांचों में मैंने एक्शन कर दिया है, तो ये हो गया आपके पांचों मेथड ओवरराइड। अब क्या करना होगा हमें, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ आपका, ये एंटर्ड है, ये हमारा रिलीज्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद जो हमारा चीज़ थी थर्ड थिंग हमारी क्या थी, ऐड माउस लिसनर। तो हम इस माउस लिसनर को ऐड कर देते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट हमारा कौन सा है, JT1 के एक्शन पे होना चाहिए, और JT1 के अंदर हम लोग JT1.add कंस्ट्रक्टर बनाया, उससे हम लोग अपने कॉल कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, मैं इसको एक बार रन करता हूँ आपके लिए। ये आ गया हमारा एक टेस्ट एरिया छोटा वाला JT1, ये हमारा हो गया JT2। अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा अच्छा दिखेगा इससे कि जैसे ही मैं इस टेस्ट एरिया के अंदर आऊँगा, इस फर्स्ट वाले के अंदर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर्ड, एंटर्ड आ गया। जैसे मैं इससे बाहर आ जाऊँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा, एंटर्ड एग्जिट। अब क्या करना होगा, इसी में इसके अंदर जाके एंटर के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये प्रेस लिखा हुआ आ गया, इसे इसको रिलीज करूँगा। हमेशा याद रखना कि रिलीज करने के बाद ही क्लिक लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेस हुआ है फिर रिलीज हुआ है फिर क्लिक लिखा हुआ आएगा। अगर मैं सिर्फ प्लेस प्रेस करा रखूँ तो क्लिक लिखा हुआ नहीं आएगा, प्लेस करने के बाद इसको क्लिक आ जाएगा, इसके बाद बाहर आके इसको एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं अपना माउस लिसनर जावा के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग स्टॉर्म अकेडमी।